नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आरसीबी के पास आईपीएल 2018 में भी एक चैंपियंस टीम थी, लेकिन उसके बाद भी वो आईपीएल 2018 नहीं जीत पाई। यहाँ तक कि वो आईपीएल 2018 के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आरसीबी के आईपीएल 2019 के ऑक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। उनको कौन से प्लेयर्स को ऑक्शन से खरीदना होगा, स्लॉट वाइज में बताऊँ कि उनके पास कौन से प्लेयर अवेलेबल है और कौन से प्लेयर्स को वो आईपीएल 2019 के ऑक्शन में खरीदने वाली है। सबसे पहले बात कर रहे हैं उनके ओपनर्स की, तो ओपनर्स में उनके पास खाली एक ही प्लेयर अवेलेबल अभी तक, वो है पार्थिव पटेल, जो कि उनके ओपनर्स भी होने वाले हैं। लेकिन उनके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि नंबर टू में कौन सा प्लेयर खेलेगा उनके पास वो अवेलेबल ही नहीं है। तो नंबर टू पोजीशन के लिए वो वेस्ट इंडीज़ के दोनों ओपनर शाई होप और सिमरन हेटमायर को टारगेट कर सकते हैं। वो इन दोनों को इसलिए टारगेट करें क्योंकि उनके पास इनफ कैश बचा है अभी तक कि उन दोनों टारगेट करें, इनमें से एक को तो टीम में ले लें। इसी के साथ साथ वो हाशिम आमला को भी टारगेट कर सकते हैं। वो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर चले हैं क्योंकि उनका अभी इंजरी हुआ है, लेकिन वो बहुत जल्दी वापसी करने वाले हैं। और अगर साउथ अफ्रीका में आईपीएल हुआ तो उनकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आरसीबी को टारगेट करो टीम में ले। इसी के साथ साथ वो साउथ अफ्रीका के एक और प्लेयर हेनरी क्लासेन को भी टारगेट कर सकते हैं। हेनरी क्लासेन ने इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला था आईपीएल 2018 में, लेकिन उनकी जो ब्रांड वैल्यू आईपीएल 2019 में बेशक बढ़ने वाली है, और उनकी जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो भी आईपीएल 2019 में आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इसका मेन कारण यही है कि अगर आईपीएल 2019 साउथ अफ्रीका शिफ्ट हुआ तो वो कंडीशन को फेवर करेगी और उस कंडीशन में वो जरूर अच्छा प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। नंबर थ्री में आता है आपके कप्तान विराट कोहली का नाम, वही नंबर फोर में आता है एबी डिविलियर्स का नाम। तो ये दोनों स्लॉट आपके लिए फिक्स है, लेकिन फिर से जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है नंबर फाइव में। आपके पास नंबर फाइव में कोई भी प्लेयर खिलाने के लिए नहीं है क्योंकि आपने मनदीप सिंह को ट्रेड कर दिया, वहीं आपने सरफराज खान को रिलीज कर दिया है। तो नंबर फाइव में वो रिद्धिमान शाह को टारगेट कर सकते हैं। रिद्धिमान शाह का एक और एडवांटेज आपके पास ये होगा कि वो एक विकेट कीपर है, तो आपके पास सेकेंड विकेट कीपर चॉइस भी आ जाएगा और आपके नंबर फाइव में प्लेयर खिलाने को मिल जाएगा। वहीं वो मनोज तिवारी को भी टारगेट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मनोज तिवारी ने आईपीएल 2018 में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, उनका मेन कारण यही था कि उनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। मेरे हिसाब से मनोज तिवारी नेक्स्ट टू दिनेश कार्तिक है। अगर आपको 30 बॉल में 50 से 60 रन चाहिए तो वो प्लेयर है जो आपको जरूर जिता के आएंगे, लास्ट बॉल तक वो आपको जिता के आएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर आरसीबी उनको टारगेट करने की कोशिश करेगी। नंबर सिक्स स्लॉट के लिए उनके पास तीन फॉरेन प्लेयर अवेलेबल है, मार्कस स्टॉइनिस, कॉलिंड्री ग्रैंडोम और मोइन अली। इन तीनों में से आपको एक ही प्लेयर आईपीएल के उनके जो प्लेइंग 11 होंगे उसमें खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर उनके नंबर सेवन की पोजीशन की बात करें, नंबर सेवन के लिए उनके पास अवेलेबल युजवेंद्र चहल। नंबर एट में उनके पास पवन नेगी अवेलेबल है, उनके पास वाशिंगटन सुंदर अवेलेबल है। तो इन दोनों में से एक प्लेयर आपको प्लेइंग 11 में खेलता हुआ नजर आएगा। नंबर नाइन में जो प्लेयर आपके पास अवेलेबल है वो है टीम साउदी और नेथन कुटर नाइल, लेकिन ये दोनों प्लेयर आपके लिए सफिशियंट नहीं होंगे क्योंकि नेथन कुटर नाइल पहले ही आपको मे के पास छोड़ के जाने वाले हैं, और वहीं टीम साउदी इतना अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। जरूर उनको एक या दो फॉरेन प्लेयर्स को टारगेट करना होगा, और जो फॉरेन प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हैं उसमें से पहला नाम है जूनियर डाला का, जो साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी है। उसके साथ वो डेल स्टेन को टारगेट कर सकते हैं। डेल स्टेन अभी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, तो जो उनको टारगेट करेगी और उनके जो बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है फॉरेन बॉलिंग डिपार्टमेंट उसको जरूर सुधारने की कोशिश करेगी। नंबर 10 में आते उमेश यादव का नाम, जो आईपीएल 2018 के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स रहे थे। नंबर 11 के स्लॉट के लिए उनके पास तीन इंडियन बॉलर मौजूद है, कुलवंत खिजोलिया, मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी। ये तीनों ही काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, तो नंबर 11 की स्लॉट भी फिक्स रख रही है। तो ये तो थी एक स्पेशल वीडियो आरसीबी की, जहाँ पे मैंने ए टू जेड आपको सबको बता दिया कि आरसीबी आईपीएल 2019 में कैसी दिखने वाली है, उनकी कैसी स्लॉट होने वाली है, कौन से स्लॉट में उनके पास कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।